अरे वाह यश, सुबह बजा रहा है फिर से गलती से आरव को निकाल देंगे ना, ये करता हाँ, रहेगा वो उसको तोड़ देगा आप इसका कर कर के। हाँ अरे मेरा बच्चा, बिना दांत की कैसा लग रहा है हंसते हुए? मजा नहीं आया इस बार, मजा नहीं आया। अब आया अब आया अब आया अब आया अब आया मजा। यशु इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ वाइब्रेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूं निधि। और आज मैं प्रॉपरली कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूं, आज मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूं। बाहर हो रही है बारिश, आवाज़ आपको आ रही होगी, और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। और एक तरीके से ये एक लाइफ अपडेट भी होने वाली है, बिकॉज़ आप लोग के जो कमेंट्स हैं ना, वो कुछ कुछ मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, बट फिर भी मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि आप लोग जानना चाहते हैं, और आप लोग को मैं बता भी सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं, ताकि सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैंने एक दो ब्लॉग पहले जो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो मैंने बताया था कि मैंने कब से काम करना शुरू किया और जो भी है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि कई लोग मतलब हमेशा ऐसे कमेंट में लिखते हैं कि बहुत सपोर्टिव है फैमिली, बहुत सपोर्टिव है, सब लोग आपके साथ हैं, इसलिए आपका सब इजी है, ये है वो है, ऐसा कमेंट करते। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ। देखिए ये ऐसा होता है ना कि सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ ऑलमोस्ट पता है सेम ही होती है, सेम चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा सा फॉर्म अलग हो जाता है, टाइप अलग हो जाता है, बट चैलेंजेस ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें सेम ही चल रहा होता है। तो मैं आपको लेकिन वो चीज़ें दिखाती हूँ जो अच्छी हैं, जो मतलब आपको देख के अच्छा महसूस हो। बाकी अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी भी लाइफ में वो सेम प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अगर आपको बता रही हूँ तो क्या हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें और ऐड हो रहा है मेरी प्रॉब्लम सुन करके, आपको भी लग रहा है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा है, ये है वो है। तो मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, मतलब बेसिकली मुझे वो पसंद ही नहीं है इस तरीके से दिखाना करना कि फैमिली, क्योंकि फैमिली है इसमें चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब वही है ना, किसी की बहुत अच्छी होती है, हमें दिखती है बेसिकली, मैं ये कह सकती हूँ कि हमें दूसरों की चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, बट सबकी लाइफ में सेम ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, मतलब ऐसा मैंने ऐसा फील किया कि आप मेरे वीडियोज़ देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली तो हमें इतना नहीं करती, आपकी फैमिली इतना कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब चीज़ें सेम ही रहती हैं। बस ये है कि मैं आपको अच्छा अच्छा पार्ट दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको देख करके अच्छा लगे। और लेकिन इसमें मैं ये मैसेज भी नहीं देना चाहती हूँ कि भाई आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगे ये देख करके कि एक अच्छी लाइफ मैं देख रही हूँ और मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी आप लोगों की लाइफ से अलग नहीं है, सेम टाइप ऑफ चैलेंजेस मैं भी फेस करती हूँ, बट क्या बताऊँ मैं यहाँ पर आपको, क्या उससे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, जितना सपोर्ट, जितना जो चीज़ें आपके साथ हैं वही कम ज़्यादा मेरे पास भी है। दूसरी चीज़ की एक कमेंट आया था कि हमारे यहाँ तो मतलब 2-3 महीने तक काम ही नहीं करते हैं, आप तो कितना काम कर ले रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, और भी 2-3 लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि हम अकेले हैं, हमें तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये दोनों ही कमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे का रिप्लाई है, क्योंकि अगर आपके पास काम है, आजकल देखिए ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके मेरे पास ही बैठे रहेंगे, 3 महीना बहुत होता है, 3-4 महीने तक तो मुश्किल है, सब लोग दूर दूर रहते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने काम हैं, और बेसिकली स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो सब है, तो उस टाइम अगर कोई आकर आपकी हेल्प कर दे तो बस उतना काफ़ी है, आपको खुद ही करना पड़ता है, सिचुएशन ही ऐसी है, और जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही इंसान मतलब उसी तरीके से वो अपने आप को ढाल लेता है, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो। तो मतलब अगर कोई नहीं है तो हमें खुद ही करना है अपने काम, और अपने काम करने में, या जब करना ही है तो फिर स्ट्रेस किस बात का लेना, रोना धोना किस बात का, जब करना ही है तो अच्छे से काम करो जितना हो पा रहा है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो मैं मतलब ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करती, अफसोस नहीं करती, सोचती नहीं हूँ कि यार ये कोई क्यों नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है ठीक है, अगर कोई नहीं है तो यार मैं भगवान ने मुझे इतना केपेबल बना दिया है, बस उतना ही काफ़ी, हम इतने काबिल हमेशा बने रहें
कि हम अपने काम खुद कर सकें, किसी से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग भी, जो भी लोग अपने काम खुद कर रहे हो, आप अपने लिए प्राउड फील करो, खुश हो कि आप, मतलब आप ये मोमेंट जी सकते हो कि आप अपने काम खुद कर रहे हो। इसका एक अलग सेटिस्फेक्शन और एक अलग अपने ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल भी आप एक, मतलब सैड मत होइए कि कोई नहीं आया। जैसे आप कमेंट आया था आप लोगों का ही, तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ अपने अपने, मतलब अपने थॉट्स जो है, कि इस पर सैड होने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी सैड मत होइए, आप बल्कि खुश होइए कि आप इतने स्ट्रांग बन रहे हैं। ये जो सिचुएशंस आती है ना, उसमें आप इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि वो आगे चलकर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अपना ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि जोश जोश में आकर के कि तो मुझे ही करना है, मैं तो सब काम कर डालूंगी, ऐसा नहीं करना है। जो ज़रूरी है वो आप काम करिए, अपना ख्याल भी रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए। और खुद पर आप गर्व महसूस कीजिए कि आप नए चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कर ली, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे हमेशा इस लायक बनाए, मेरा इतनी मेरे अंदर या मेरी फैमिली के अंदर इतनी कैलिबर हो कि हम सब कुछ खुद ही कर ले, तो हमें ज़रूरत ही क्या है किसी की। तो लेकिन वही है कि सबके यहाँ पर ही ऐसा होता है कि हाँ, मतलब स्टार्टिंग में पहले चलता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो तीन तीन महीने कोई काम नहीं कर रहा है या जो भी है, मुझे नहीं मालूम है पहले का, बट ये चीज़ें पहले से चली आई हैं। अभी कोई भी आपके पास इतना लंबा नहीं रह सकता है, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, मैं हूँ या कोई भी है, सब लोग को करना ही पड़ता है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि 40 डेज़ के बाद पूजा, हवन जो बोलते हैं, शुद्धिकरण या हवन करवाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी करवाया जाता है। बट मैंने आप लोगों के साथ में अभी कुछ अपडेट दी नहीं कि पूजा हो गई या कुछ भी ऐसा मैंने आपको बताया नहीं था। तो एक कमेंट ये आया था कि 40 डेज़ पे जो पूजा होती है, तो आपने तो कराया नहीं है, मतलब करवा लिया या नहीं करवा लिया, क्या है? तो नहीं कराया है। अभी हमारे यहाँ भी होती है 40 डेज़ पे, सवा महीने पे जो बोलते हैं ना, कथा हवन जो भी कराना है वो होता है, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। उसका एक रीज़न है, मतलब वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। कुछ अभी मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से हम नहीं करा सकते हैं। मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, इस जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताया होता, बट राइट नाउ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं ये अभी नहीं करा सकती हूँ। अब जब भगवान चाहेंगे सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तब फिर मैं कराऊंगी, मुझे कराना भी है। मैं इवन एक दो दिन पहले डिस्कस भी कर रही थी अपने हस्बैंड से, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है, मैं कराने की स्थिति में हूँ ही नहीं, तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन कराना है। और जो भी प्रॉब्लम है वो मैं अभी तो आपको नहीं बता सकती हूँ, बट जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, देन फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन हाँ, अगेन मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है बिहाइंड द कैमरा, जो मैं अभी आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट जब मैं करूँगी आप ये चीज़ या आज का पॉइंट याद रखना, और जब मैं आपको बताऊँगी तब आपको समझ में आएगा कि चैलेंजेस जो है ना वो हर किसी की लाइफ में हैं। जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो वीडियोस देख करके ऐसा लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ चल रहा होगा, सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बात यह है कि सबकी लाइफ में अच्छा भी चलता है, ख़राब भी चलता है, ये एक फेज़ होता है जो चेंज होता रहता है, अच्छा फिर ख़राब फिर अच्छा, फिर ऐसे करके ये चलता ही रहता है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। और ये सब कुछ मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने अभी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, जो आपने, जो लोग शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी पहले से, तो मैंने अपने माइंडसेट को इसी तरीके से बना लिया कि अब मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती हूँ किसी के भी बातों से। मुझे लगता है कि लोग तो कर ही रहे हैं मुझे, यू नो, लोग या सिचुएशंस तो ऐसी बनी रही हैं कि मैं उसमें कमज़ोर हो जाऊँ या डाउन हो जाऊँ। कम से कम मैं तो अपने आप को मजबूत करूँ, मैं तो अपने आप को सपोर्ट करूँ, तो मैं अपने आप को सपोर्ट करती हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य मेरे जीवन में इस वक्त यही है कि मैं अपने आप को सपोर्ट करूँ, अपने आप को स्ट्रांग करूँ, ताकि सारी सिचुएशन से या लोगों से, सबके साथ में अच्छे से डील कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, कोई भी व्लॉग्स या कोई भी वीडियोस आप देखते हो जिसमें अच्छा अच्छा आप देखते हो, तो ऐसा मत सोचो कि वो बहुत आइडियल लाइफ जी रहे हैं। कोई भी आइडियल लाइफ जी ही नहीं सकता, भगवान नहीं जी सके तो हम क्या हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, अच्छी चीज़ें देख के हमें अच्छा फील होता है, तो इसलिए अच्छे व्लॉग्स या अच्छी जो चीज़ें हैं वो आप देखिए, जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो। लेकिन आप कभी भी कंपेयर मत करो कि यार इनकी लाइफ तो कितनी बढ़िया है, ये सब कुछ कितने अच्छे से हो जा रहा है इनका, और हमारी लाइफ में हमें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर हम ये काम नहीं कर पा रहे, या हमारे पास ये लग्जरी नहीं है। ऐसा फैक्ट नहीं है, ये सभी के साथ में है। सबकी लाइफ में अपने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कुछ लोग उसको पब्लिकली बताते हैं, कुछ लोग उसको अपने मन में रखते हैं, तो वैसा है। तो मेरे भी फिलहाल कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं,
जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बट मैं स्ट्रेस नहीं, मैं अपना स्ट्रेस बस्टर जो है ना वो मेरा चैनल है। मैं यहाँ पर आकर बहुत काम डाउन और बहुत हैप्पी फील करती हूँ। ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, सब कुछ आप लोगों के कॉमेंट, आप लोग जो मुझे फील कराते हो, आप लोग मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो, तो मैं भी आपकी स्ट्रेंथ बनना चाह रही हूँ। इसीलिए आज सारी चीज़ें मैं अपने मन की जो बात है वो आप लोगों से कहना चाह रही थी। तो यस, अभी हमने पूजा नहीं कराई है, बट जल्दी ही हम कराएंगे। वो जल्दी ही दिन आएगा जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर मैं कथा या पूजा जो भी है अब वो करूँगी और आप लोगों के साथ में अपडेट भी शेयर करूँगी। तो यही एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ में अपने मन की बात कहना चाह रही थी। आई होप आप मेरी बात समझेंगे पॉजिटिव वे में। यहाँ पर कुछ भी मैं नेगेटिव नहीं कहना चाह रही, आई डोंट नो मैंने क्या कहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट सच्चाई से अवगत कराना चाह रही थी कि आप लोग जो कुछ लोग मतलब ऐसे सैड हो रहे थे कि हमारे साथ ऐसा है, तो ये है, मतलब ये है रियल लाइफ, सभी की रियल लाइफ है। इससे आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहिए, और क्या, खुश रहिए, खुश करिए। अपने कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में, बेबी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो सबके आंसर वन बाई वन मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग्स में देती जाऊँगी। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको आवाज़ आ ही रही होगी। तो चलिए इस ब्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।